स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पहुंचा स्टेट जौनपुर से बड़ी अपडेट आप सबके लिए आ रही है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट जो बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम के फर्स्ट व थर्ड सेमेस्टर में हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित कर दी गई है। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। दूसरे टॉपिक पर अगर हम बात करेंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि बच्चों को एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के में समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जैसे फर्स्ट बात करें, क्या इलेक्टिव पेपर इन लोग को लेना है, मतलब इन लोग का क्या मेजर सब्जेक्ट्स हैं। माइनर सब्जेक्ट्स में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अन्य प्रकार की परेशानियाँ हो रही हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं हो पाया और ना ही एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेज में जमा हो पाया है, जबकि आप सबको मालूम है जो आपकी लास्ट डेट है 23 दिसंबर वो आपके सामने आ चुकी है। तो 2 दिनों बाद आपका लास्ट डेट है, आपका अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल भी नहीं हो पाया है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं, क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको टीडीपीजी कॉलेज से आ रही है। आइए सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबको हम बताना चाहेंगे। जैसा आप सबको नीचे लिखा हुआ है, बीए बीएससी बीकॉम की फर्स्ट सेमेस्टर व थर्ड सेमेस्टर की डेट्स हैं एग्जामिनेशन फॉर्म की, उसमें आप सब देख सकते हैं हर के बच्चे को ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। इसमें आप देख सकते हैं संस्थागत बैक पेपर, जहाँ पे आपका जो बैक पेपर लगा हुआ है, बहुत से स्टूडेंट्स का आप जानते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गया है, तो जिन बच्चों का बैक पेपर भी लगा हुआ है या जिन स्टूडेंट्स का रेगुलर क्लासेस चल रही हैं या रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। तो बीए बीएससी बीकॉम के लिए प्रथम सेमेस्टर के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए व तृतीय सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, और पीजी की बात करें एमए एमएससी एमकॉम के सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म की नोटिस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं, जैसा आप सबको मालूम है आपकी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो तिथि है 13 दिसंबर से 23 दिसंबर की है। पंजीकरण शुल्क सहित परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा करने की तिथि आप कह सकते हैं कि जो 23 से 24 दिसंबर तक है, 24 दिसंबर तक आप अपना ऑनलाइन फीस कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं, और उसके बाद कॉलेज में आप अपना फॉर्म 31 दिसंबर के पहले, उसके बाद कॉलेज आपके फॉर्म को यूनिवर्सिटी सेंड करेगा। ये आपकी एक परमिशन होते हैं। अब आइए बात करते हैं जो स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, उन सभी स्टूडेंट्स को किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जैसा अभी हम आपको बताते हैं कि हमारे पास सिया कॉलेज का एक नोटिस है, जहाँ पे आपको कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। आइए आप उसी टॉपिक पे बात करते हैं, उसी के माध्यम से आपको हम कंप्लीट चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अख्तर हसन रिजवी सिया कॉलेज के नोटिस के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम बात करें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, अब आपको मालूम है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें 3 ग्रुप्स होते हैं आपके, एक मेजर सब्जेक्ट होते हैं, एक माइनर सब्जेक्ट होते हैं, एक वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं, और नेक्स्ट आपका होता है को करिकुलर सब्जेक्ट होते हैं। अब इसमें देखिए आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको एडमिशन के टाइम ही बता दिए जाते हैं कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं। जैसा हमने आपको बताया ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बायो ग्रुप का है, तो वहाँ पर आपको जूलॉजी लेना होता है, बॉटनी लेना प्लस केमिस्ट्री लेना, तो जहाँ पर केमिस्ट्री आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आप केमिस्ट्री के साथ साथ और कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जैसे मल्टी साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आप अन्य किसी भी सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं जो आपके कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं। तो आपके मेजर सब्जेक्ट्स जो आपके पहले से क्लियर होते हैं। नेक्स्ट मैटर आता है माइनर सब्जेक्ट्स। माइनर सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन ला के रखा हुआ है कि माइनर सब्जेक्ट्स कैसे क्लियर होगा, क्या सब्जेक्ट्स आप लोग को मालूम होगा। जैसे अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वहाँ पे माइनर सब्जेक्ट्स का जो ऑप्शन है वो ओपन ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जब माइनर सब्जेक्ट का ऑप्शन ओपन ही नहीं होगा तो आप माइनर सब्जेक्ट में क्या फिल करेंगे। जो बच्चों ने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपना फॉर्म को जब प्रिंट किया और कॉलेज में जमा करने गए तो कॉलेज में उनका फॉर्म जमा नहीं किया गया, तो यह बताएगी कि आपका माइनर सब्जेक्ट में अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब ये माइनर सब्जेक्ट का क्या गेम होता है, माइनर सब्जेक्ट्स में बच्चों को क्यों फंसना होता है। माइनर सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि किस ईयर के बच्चों को कौन सा माइनर सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें अख्तर हसन सिया रिजवी कॉलेज में, शिया कॉलेज में, यहाँ पे जितने भी बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको जो अपना माइनर सब्जेक्ट लेना है वो बीकॉम से लेना है। बीकॉम का एक पेपर आपको क्या लेना है, माइनर सब्जेक्ट। ठीक है, हो सकता है टीडी कॉलेज में किसी और सब्जेक्ट को लेना हो, या टीडी कॉलेज में भी जितने भी बीकॉम के ही अब बीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो बीकॉम के ही एक सब्जेक्ट को माइनर सब्जेक्ट अपना चॉइस करें। अब यहाँ पे जो सिया कॉलेज में है जो माइनर सब्जेक्ट है आपका, उसको क्या डिसाइड किया गया, उसको बिजनेस कम्युनिकेशन आपका माइनर सब्जेक्ट डिसाइड किया गया। मतलब आपको यहाँ पर अपना जो माइनर सब्जेक्ट होगा वो बिजनेस कम्युनिकेशन लेना होगा। ये आप वहाँ पर देखेंगे, जैसे ऑप्शन आप ओपन करेंगे आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे आप वहाँ पर अपना सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट में बीएससी बायो फिल करेंगे तो माइनर सब्जेक्ट में आपको बायो सेमेस्टर के कर सकते
सकते हैं कि बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स आपको ऑप्शन में ओपन हो जाएंगे। उस ऑप्शंस में से आपको किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चॉइस करना होगा जो आपको इजी लगता हो, और वही आपका क्या हो जाएगा, माइनर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है अभी आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो रहा है, लिंक ओपन हो रही है, उस लिंक में अभी माइनर सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है। ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए अभी आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वेबसाइट पे वर्क हो रहा है, हो सकता है आने वाले एक दो दिन में यह प्रॉब्लम दूर हो जाए। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, सर मेरा एग्जामिनेशन डेट 23 दिसंबर आ चुका है, लास्ट डेट आ गया है, अब हम एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे? तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपका जो डेट होगा, एग्जामिनेशन डेट होगी, वो फर्दर बढ़ने वाली है, इसमें आप परेशान मत हो, क्योंकि किसी भी बच्चों का अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेज में जमा ही नहीं हो पाया है, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट किसी भी स्टूडेंट्स का अभी शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, 23 दिसंबर से डेट बढ़ेगी, आपको जानते हैं आप सब, आपको विंटर वेकेशन की छुट्टी होने वाली है, विंटर वेकेशन में आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म जमा भरिएगा, उसको कॉलेज में जमा कर, क्योंकि जो विंटर वेकेशन की छुट्टी होगी उसमें आपका जो ऑफिशियल वर्क होता रहेगा, सिर्फ आपका जो पढ़ाई होती है वो पठन पाठन का कार्य स्थगित किया जाएगा। तो आपका ऑफिशियल वर्क होता रहेगा, और अगर आपका ये माई सब्जेक्ट वेबसाइट से सही हो जाता है तो आप अपना फॉर्म फिल करने के बाद कॉलेज में जो निर्धारित फीस होगी आप उसको जमा करके कॉलेज में फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वोकेशनल सब्जेक्ट में आपको किसी प्रकार का कोई चॉइस नहीं करना है, वो आपका फिक्स है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जितने भी बच्चे होंगे उनको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लेना होगा, और वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका लास्ट जो होता है को कैलकुलर सब्जेक्ट में फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन, आप सबको मालूम है जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स से फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन उन्होंने पढ़ा हुआ था, और को कैलकुलर सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना पड़ा था। तो यहाँ से हम डॉक्टर अख्तर हसन CRDGV कॉलेज के माध्यम से एक नोटिस के माध्यम से आपको हम कंप्लीट चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश किया कि क्या आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी चीज़ें होती हैं, किसके थ्रू आपको परेशानियां हो रही हैं। तो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपका माइनर सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है तो आने वाले समय माइनर सब्जेक्ट आपका शो करेगा, उसके बाद ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेज में जमा होगा, और इसके लिए आप जरा सी टेंशन मत लीजिए। अभी आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो बढ़ने वाली है, तो 23 दिसंबर से भी डेट बढ़ेगी, आप उसको सही करके एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेज में जमा करिएगा। इसके बाद आप सब ध्यान रखिएगा जो आपकी एग्ज़ाम की डेट होगी, एग्ज़ाम डेट आपकी क्या हो सकती है, जो आप एग्ज़ाम आफ्टर 15 जनवरी के बाद कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है, तो इसलिए आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, जल्द से जल्द सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहिए, क्योंकि जैसे 15 जनवरी बीतेगा उसके बाद किसी भी दिन हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबको वीर बहादुर सिंह पांच यूनिवर्सिटी जौनपुर से आ रही है, तो वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे जिन भी स्टूडेंट्स को अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने में, जमा करने में या एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। थैंक यू, बाय बाय।